हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन बड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल डिफरेंट है और फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी को पानी में सोख करके रख दिया था। अच्छे से फूल गई है सोयाबीन की बड़िया, बहुत ही लाजवाब बनती है इसकी सब्जी। अगर आप भूल गए हों इसे भिगोना, तो आप गर्म पानी में इसे थोड़ी देर के लिए भिगो दें, बहुत ही फटाफट से जल्दी से ये फूल कर रेडी हो जाती हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बढ़िया है इसके अंदर जो पानी है ना, उसे इस तरह से एकदम से निचोड़ कर निकाल लेंगे। यहाँ पे एकदम पानी इसका जो है ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह से निकाल लेंगे तो बहुत ही ईजिली ये प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, 2 बड़ी चम्मच डाला है, और जो बढ़िया हमने निचोड़ कर रखी थी उसे डालेंगे और अच्छे से तेल में इसे भुनेंगे। यहाँ पे इसे जितना अच्छा भुनेंगे ना, हमारी जो सब्जी है उतना टेस्टी बनेगी। इसे एकदम गोल्डन ब्राउन कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा लाइट कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है। इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून ले। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसे रख देते हैं साइड में। अब इसी पैन को इस वापस से गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा फिर से तेल डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज लिया है, इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, मोटा पतला कोई मैटर नहीं करता है। आप इसे इस तरह से कट करके तेल में डालकर थोड़ा सा भून ले। इसे एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लेकिन पिंक कलर तक आ जाए तब तक इसे हमें भुनना है। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, हमारा जो प्याज है भुनकर रेडी है। इसे रख देते हैं साइड में। और जो भुनी हुई सोयाबीन की बढ़िया ना, उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून बेसन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। साथ ही 1/4 कप दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने दही कम डाला है, अगर आप सिर्फ दही से बना रहे हैं तो दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 3/4 कप दही यहाँ पे लग जाएगा अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं। एकदम फ्रेश दही है, 1/4 कप दही डाला है और यहाँ पे इसके आगे मैंने ऐड किया है 2 टमाटर और इसे रख देंगे अब साइड में। यहाँ पे लिया एक मिक्सर जार और जो प्याज हमने भुनकर रेडी किया था उसे डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ जो प्याज का पेस्ट है वो बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से प्याज को भुनकर डालने से। तो यहाँ से भून कर पेस्ट कर डालते हैं ना, तो प्याज बहुत अच्छे से भून जाती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है सब्जी में। और उसी मिक्सर जार में यहाँ 2 छोटे साइज के टमाटर थे और उसे भी कट करके हमने इस तरह से पीस लिया है। तो यहाँ हमारा टमाटर प्यूरी भी रेडी है, बहुत ज़्यादा नहीं है टमाटर प्यूरी क्योंकि हमने ऑलरेडी दही डाला है। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट कर लिया है, आप चाहे तो मिक्सर में इसे पीस भी सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट कर लेने से। तो हमारा यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो गई है। हमने जो सोयाबीन की बढ़िया है जिसे मैरिनेट करके रखा है, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, तो वो भी रेडी है। साथ ही प्याज पीस कर रेडी है, टमाटो और ये अदरक लहसुन मिर्ची का जो हमने कूट कर पेस्ट बनाया था वो भी रेडी है। तो बस अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, अच्छे से इसे गर्म करने दे रख देंगे। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, मैं यहाँ इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। खड़े मसालों में यहाँ पे 1/3 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 चक्रफूल डालेंगे। साथ ही 3 से 4 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग डाला है, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया था उसे भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है प्याज का और सोयाबीन बड़ी के साथ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसे डाला है, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंक कलर आ जाए बस इसे इतना ही भुनना है। तो यहाँ तेल में प्याज को खूब अच्छे से हमें भून लेना है और बस अब प्याज भून कर रेडी है। तो जो हमने अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालने से कुछ भी बनाए आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, काश्मीरी रेड चिली है, बहुत ही अच्छे से कलर आता है। और जो उसके बाद प्याज हमने भून कर रखा था पीस कर उसे डालेंगे और अच्छे से मसालों में इसे मिक्स करेंगे। इसे 30 सेकेंड के लिए भुनना है और आप यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखें वरना मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ टोमेटो प्यूरी को बहुत अच्छे से मसालों के साथ भुनना है, जितना अच्छा हम मसाले भुनकर रेडी करेंगे सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब कुछ मसाला डाल लेते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर।
इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ढक देंगे। ढककर हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे। जब तक कि मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ दें, तो यहाँ हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। मसाले ने साइड से तेल छोड़ दिया है। अब जो हमने मैरिनेट करके रखा था सोयाबीन की वड़ी डाल देंगे और मसालों के साथ इसे भुनना है, क्योंकि यहाँ पे दही बेसन और मसाले डाले हैं तो उन्हें भी हमें काफी अच्छे से भुनना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से डालकर थोड़ी देर भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको कितना थिकनेस चाहिए। अगर आप रोटी चपाती पराठे से खा रहे तो थोड़ा थिक बनाएं, और अगर आप इसे चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएं। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और बस अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। और इसे हमें ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ मैंने इसे ढक दिया। 5 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे और उसके बाद जो हमारी सब्जी है वो बनकर रेडी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका ग्रेवी बनकर रेडी है, अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, हाफ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ ये घर की बेसिक मसालों से ही बनकर रेडी हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा लाजवाब, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम झटपट से बनकर रेडी होने वाली रेसिपी है। सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इसे जरूर बनाकर देखिएगा, बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो इस तरह से मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ सर्विंग बोल में। दिखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है, खाने में इसे कहीं ज्यादा टेस्टी था। तो आज की रेसिपी अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ, जो बहुत ही सिंपल और इजी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।